भाजपा खुले में शौच जाने को लेकर बड़ा अभियान चला रही है, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास 25 से 30 गज के प्लॉट हैं, ऐसे में अभी अपने घर में रसोई बनाएंगे या फिर शौचालय। ये सब सोचकर ही भाजपा को ऐसा कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वह स्वच्छता को लेकर कोई विरोध नहीं कर रही, लेकिन उससे पहले कुछ बातों के नियम भी होने चाहिए थे। वहीं उन्होंने मिड डे मील में बच्चों को दिए जाने वाले दूध पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि बच्चों को दिए जाने वाला दूध क्या बाबा रामदेव का होगा या फिर पतंजलि का, ऐसे में भाजपा बच्चों को किस आधार पर दूध देती है ये देखना होगा। कहीं सरकार दूध की जगह बच्चों को पानी ही न मिलाकर देती रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रही थी, अगर वही समय पर किसानों को दे दे तो किसी को सरकार से दूध लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पतंजलि का दूध है, बाबा रामदेव जी का है, ये कहाँ से दूध आएगा, क्या करेंगे, किस तरीके से, उसी में मिलावट इतनी है। बाबा रामदेव तो दूध नहीं देगा, दूध तो वैसे नहीं, पतंजलि वाला जब घी बेच सकते हैं तो दूध भी दे सकते हैं, सप्लाई उनकी हो सकती है। मैं तो ये वही पूछना चाह रहा हूँ कि किसी को फायदा देने के लिए, मेरा अभिप्राय ये है कि किसी को फायदा देने के लिए ये दूध की नई योजना चला रहे हैं या क्या मामला है, और दूध कहाँ से आएगा, कितना कितना देंगे, पानी मिलाएंगे उसमें शुद्ध देंगे, कैसे देंगे। तो केवल घोषणाओं से नहीं, जो अभी मिड डे मील मिल रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है पहले तो उसकी जांच करें। अभी स्कूलों में तमाम तरह की समस्याएं हैं, न टीचर है न और दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं, तो ऐसे में एक सिर्फ घोषणा मात्र ही होगी या ये वाकई में करके दिखाएंगे। दे दूध भी दे और भी पौष्टिक आहार दे, बच्चों को भी दे, जवानों से भी जो वायदा किया था वो भी पूरा करें, बुजुर्गों की भी 2000 पेंशन दे। तो ये सारी चीजें हैं जो, और किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें।